नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नजीर। आज हम बनाना सीखेंगे कोयला कड़ाही। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं: चिकन आधा किलो, टमाटर एक पाव, दही आधा पाव, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी कटी हुई, कोयला एक टुकड़ा, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, अदरक 2 इंच का टुकड़ा जूलियन कट हुआ हुआ, प्याज 2 दरमियाने साइज की, नमक 1/2 टीस्पून, शान कड़ाही मसाला 2 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल 2 डिश के चमचे। तरकीब: सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह धो लें, इसके बाद प्याज को छीलकर 2 टुकड़े कर लें और टमाटर का भी टॉप काट के 2 टुकड़े करके एक सॉस पैन में पानी भरें और टमाटर और प्याज को इसमें उबलने के लिए रख दें। जब ये दोनों चीजें उबल जाएं, तो चमचे की मदद से इन्हें सॉस पैन से बाहर निकाल के ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब एक पतीली लें और उसमें 2 डिश के चमचे कुकिंग ऑयल के डालें। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर बगैर पानी डाले अच्छी तरह भूनें। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी के शामिल करें और फिर कड़ाई मसाला शामिल करके अच्छी तरह भूनें। अब इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल करें, नमक शामिल करें और 1/2 कप पानी डालकर चिकन को पकने के लिए रख दें। जब चिकन गल जाए तो इसमें दही फेंटकर शामिल कर लें और ग्रेवी का अंदाजा कर लें। अगर आपको गाढ़ा करना है तो मजीद पकने दें और अगर आपको पानी शामिल करना है तो पानी ऐड करके 2 से 3 मिनट पकने दें। अब इसमें दहकते हुए कोयले का धुआं लगाएं और आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चे और अदरक ऊपर से छिड़क कर गरम गरम नान के साथ सर्व करें। मजेदार कोयला कड़ाही तैयार है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
ये मालूमती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।